हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल रथ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी जानकारी हमारे चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप भी अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आए दिन जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन पेपर में आते ही रहते हैं। तो कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो नहीं जानते उनको भी बता देते हैं, जो जानते हैं उनको भी अच्छी तरह बता देते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आपको एक तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सेशन है, सभी सेशन जो है लेट चल रहे हैं, बहुत ही देरी से चल रहे हैं। तो उन सभी के सेशन को ठीक करने के लिए सूचना आ चुका है, जो कि 6 महीने के अंदर अंदर में आप सभी सेशन जो है उन सभी को क्लियर करा दिया जाएगा। जो सेशन पीछे चल रहे हैं उनको सब मेंटेन किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वो सभी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका जो है नोटिफिकेशन देख लेते हैं। जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन हम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेते हैं। यूजी फर्स्ट ईयर एप्लीकेशन फॉर्म 2022-2025 12/7/2022 midnight 11:59 PM। तो इसको डेट बढ़ा दिया गया है, जो कि 12/7 तक कर दिया गया है। तो अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो आप लोग जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। क्या पता इसके बाद फिर डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो जल्दी से जल्दी आप अपना अप्लाई कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या ये बात सच है, शेर की सवारी और छपरा वालों की यारी नसीब वाले को ही मिलती है। पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ और छपरा वाले को झुका दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। क्या ये बात सही है फ्रेंड्स? अगर सही है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे सब्सक्राइब बटन को पीस कर मैदा कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन आप, जेपीवीवी के कुलपति ने कई सेशनों का किया निरीक्षण। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जेपीवीवी निरीक्षण करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो दिख रहे हैं, जेपीवीवी के कुलपति हैं, ये निरीक्षण कर रहे हैं सभी कॉलेजों में और सभी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर अपना चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, जो कि 21 जून को किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने ये अपना सभी सेशन को सुधार करने के लिए सूचना दी है। देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। जेपी विश्वविद्यालय में स्नातक व पीजी की लंबित 8 परीक्षाएं 6 माह के अंदर होगी। तो 6 माह के अंदर आप लोगों की जो भी है स्पेशल एग्ज़ाम्स है, जो फेल हो चुके हैं या फिर जो प्रमोटेड छात्र हैं और जिनके एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं, जैसे कि 2022-23 सेशन वाले और जो हैं आपके 19-22 सेशन वाले जो हैं अटके हुए हैं, जो पार्ट सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने के लिए अभी रुके हैं, जो पार्ट थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देने के लिए रुके हुए हैं और जो पार्ट वन का एग्ज़ाम देने के लिए रुके हैं, उन सभी का एग्ज़ाम भी जल्द लिया जाएगा। और उनसे जो पहले जो 2015-16-17-18 वाले सेशन वाले भी छात्रों का एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर लेने की निर्णय लिया गया है। तो आगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन और दिखा देते हैं आपको। यहाँ देख पा रहे होंगे 22-25 सत्र के लेट होने से इस बार नामांकन में कम आए आवेदन। जैसे कि देख रहे हैं कि छात्रों का जो है रुख मोड़ रहे हैं जेपी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी थोड़ा सेशन लेट चल रहा है और सभी ये सब गड़बड़ी होती रहती है, इसलिए छात्र जो है रुख मोड़ रहे हैं दूसरे कॉलेज की ओर और यूनिवर्सिटी की ओर रुख कर रहे हैं, जैसे कि बाहर नालंदा यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू से या फिर अदर अपने स्टेट से कर रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख पा रहे होंगे आप जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जुलाई में ले ली जाएगी स्नातक पार्ट थर्ड व स्नातक की विशेष परीक्षाएं। तो जो विशेष परीक्षाएं हैं यहाँ पे, इसको हम जूम करके आपको दिखा देते हैं ठीक से। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख पा रहे होंगे जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक सत्र 18-21 पार्ट थर्ड की परीक्षा जुलाई माह में आयोजित की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक जो अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो देख पा रहे होंगे जो 18 सेशन के, जो 18-21 सेशन के पार्ट थर्ड वाले छात्र हैं जो है उनका जुलाई के फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और जो अदर सेशन के जो छात्र हैं, जैसे कि 19-22 वाले छात्र हैं और फिर जो आपके 19-22 के जो प्रमोटेड छात्र हैं, जो 19-22 के प्रमोटेड छात्र हैं और जो फेलियर छात्र हैं, वो भी उनका भी स्पेशल एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। तो स्पेशल एग्ज़ाम जो भी छात्र इंतज़ार कर रहे हैं वो सभी तैयारी में लग जाइए, जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन, एससी और एसटी छात्रों से फीस ना लेने की बात कही गई है फ्रेंड्स।
तो हो सकता है इस पर निर्णय बात चल रही है, तो हो सकता है देखिए फीस लिया जाएगा या फिर नहीं भी लिया। तो फ्रेंड्स यही नोटिफिकेशन था जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करना चाह रहा था, तो आप लोग इससे वंचित ना रहें, आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए ठीक से। आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर अपने से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले। थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे को मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस बना सकें और हम मोटिवेट हो सके फ्रेंड्स, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड कराते रहें ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। तो फ्रेंड्स ख़त्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।